कि दो बेटियों की हत्या कर मां कुएं में कूद गई है। ये खबर अमेठी से है। दो बेटियों की हत्या की एक मां ने और उसके बाद खुद कुएं में कूद गई। हम सीधी तस्वीरें आपको वहीं की दिखा रहे हैं। दोनों बेटियों को फंदे पर लटका दिया। दोनों मासूम बेटियों की मौके पर मौत हुई। बेटियों को फंदे पर लटकाने के बाद वो खुद कुएं में कूद गई। जो ठीक पुलिस के पीछे आप देख रहे हैं ये वही कुआं है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, महिला की स्थिति अभी कैसी है? और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा कि क्यों अपनी दोनों बेटियों को इसने मार दिया? जी राहुल जी, बिल्कुल बताएंगे। जिस तरीके देखा जा, अभी तक पूरा मामला सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस मुताबिक देखा जाए, ग्रामीणों मुताबिक देखा जाए, ये पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। महिला का पति जो है दिल्ली में जॉब करता है। महिला और दो बच्चियों के साथ वो अपने घर पे रहती थी, जो कि उसका घर फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के पूरे वो किशनगंज पूरे तिवई गांव में पड़ता है। पारिवारिक कला के चलते महिला आज रात लगभग 1 बजे करीब कुएं में कूद जाती है। जब गांव वालों में शोरगुल होती है तो महिला को कुएं से निकाला जाता है और उसको सरकारी अस्पताल भेजा जाता है इलाज के लिए, जहां से उसको रायबरेली भेज दिया जाता है। हालात को गंभीर देखते हुए सुबह जब होती है तो गांव वाले या उसके परिजन जब अंदर जाते हैं तो बिस्तर पे दोनों बच्चियों के गले में रस्सी से फंदे में जकड़े मिलते हैं, जो कि उसके दोनों बच्चियों की मौके पर मौत हो रही हुई होती है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र कौशल इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जो